ओके हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर अपना चैनल वशिष्ठ एकेडमी। और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग दो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। दिख नहीं रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं सॉल्व कराऊंगा अच्छे से। एक 6 मार्क्स का करेंगे हम और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन करेंगे। बच्चों आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लूँ कि आज पता नहीं फंबल इतना क्यों कर रहा हूँ। अगर आप लोग अनअकैडमी पर हो, अगर आपके पास अनअकैडमी ऐप है या नहीं है तो आप अनअकैडमी ऐप आप इंस्टॉल कर लो, और इंस्टॉल करने के बाद रामरूप शर्मा कोई भी कैटेगरी पे आप जाओ, आईआईटी जेई पे जाना चाहते हो वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लो, फाउंडेशन एनटीएससी करना चाहते हो वो सेलेक्ट कर लो, देन आप सर्च में वहां पे सर्च कर सकते हो ऋषभ शर्मा। तो वहां पे आप देखोगे तो मेरी प्रोफाइल आ जाएगी, वहां पे आप प्लीज फॉलो कर लेना मुझे। और वहां पे अनअकैडमी पर रोज रात 9 बजे मैं लाइव आता हूँ। अगर आप मुझे फॉलो कर लोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी कि सर लाइव है या नहीं है। इसी के साथ जो रामरूप सर है, RRS सर, वो रोज रात 11 बजे लाइव आते हैं, ठीक है ना। तो हमारी क्लासेस फिक्स है, मैं रोज रात 9 बजे लाइव जाता हूँ, रामरूप सर रोज रात 11 बजे लाइव जाते हैं। और अगर आप अनअकैडमी इंस्टॉल कर लेते हो तो आप ही का फायदा है बच्चे। वहां पे डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे की क्लासेस लेता हूँ मैं वहां पे, ठीक है ना, फिजिक्स और मैथमेटिक्स की। तो आप वहां आओ, पार्टिसिपेट करो, क्विज होते हैं, बहुत बच्चे होते हैं वहां पे, और अलग टाइप का स्टडी होती है वहां पे एज कम्पेयर टू यूट्यूब। यहाँ पे हम क्या होते हैं, आपसे अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, केवल हम डिपेंड रहते हैं कि आपके जब मैसेज आएंगे तो हम वो रिसीव करते हैं, देन वी गेट टू नो दैट व्हाट टू टीच इन द नेक्स्ट वीडियो एंड व्हाट टू डू फॉरवर्ड, ठीक है ना। तो ये दो क्वेश्चन करते हैं अभी हम, ठीक है। तो अगर आप अनअकैडमी है, नहीं है तो इंस्टॉल कर लो, और है तो आप हमें प्लीज फॉलो कर लेना, मुझे तो कर ही लेना, बाकी आपकी चॉइस है, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन पहला है हमारा इंटीग्रेशन x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, और उसकी लिमिट दे रखी है 0 से पाई। क्वेश्चन नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्वेश्चन यहां लिख देता हूं। हमारा क्वेश्चन क्या है, ये है इंटीग्रेशन 0 से पाई x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, इसको मैं नाम दे देता हूं i। अच्छा, इसमें मैं वोवली आइडेंटिटी लगा दूं, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, अगर मैं वो लगा देता हूं ये हो जाएगा 0 से पाई, एक्स की जगह हो जाएगा ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। और साइन एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइन पाई माइनस एक्स, आफ्टर दैट 1 विल बी एज यूजुअल एंड कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन सॉल्व होगा। अच्छा, इसको अगर मैं बच्चों फर्दर सॉल्व करूंगा देन इट विल बी 0 टू पाई डी एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, को मैं लिख सकता हूं कॉस पाई माइनस एक्स का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूं कॉस पाई माइनस एक्स का स्क्वायर। अब कॉस पाई माइनस एक्स कितना होता है, ऑब्वियस ही बात है पाई है तो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। और हमें देखना है कॉस एक्स तो ये बन जाएगा, पर साइन क्या होगा, क्योंकि पाई माइनस एक्स है यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कॉस नेगेटिव होता है तो ये माइनस से खुलेगा, ठीक है। पर कोई नहीं, स्क्वायर है तो ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, तो ये रहेगा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। और ये बन जाएगा पाई माइनस एक्स, और ये साइन पाई माइनस एक्स कितना होता है बच्चों, साइन पाई माइनस एक्स कितना होता है, साइन 180 माइनस थीटा हमारा हो जाता है कॉस, ठीक है, ये तो एज इट इज रहेगा कॉस एक्स, साइन हमें देखना होगा, साइन यहाँ पॉजिटिव होता है तो प्लस का रहेगा। अब क्या करना, कॉस को इससे मल्टीप्लाई करा दो, इससे मल्टीप्लाई करा दो, तो आप जब मल्टीप्लाई करा के देखोगे तो ये आपकी दो इंटीग्रेशन बन जाएगी 0 से पाई, ठीक है, पाई साइन पाई, ये कॉस लिख दिया गलती से, साइन ही है, ठीक है ना, पाई साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस एक्स इंटीग्रेशन 0 से पाई, हाँ
साइन एक्स डी एक्स अपॉन वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप देखोगे यार ये वाला जो हिस्सा है ये तो हमारा क्वेश्चन ही बन गया एज इट इज, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ आई, क्योंकि ये आई नेगेटिव का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा ये 2i, 2i इंटीग्रेशन 0 से पाई, पाई साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा इससे आगे कैसे होगा, इससे आगे तो बहुत इजी है, आप क्या करना है इससे आगे कॉस एक्स को मान लेना टी, तो आपका क्या हो गया माइनस साइन एक्स डी एक्स जो है डी टी आ जाएगा, ठीक है। तो ये टी हो जाएगा, ये समथिंग ऐसे आएगा 2i इक्वल टू माइनस पाई डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, तो टैन इनवर्स आ जाएगा, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मेन था मुझे ये स्टेप से लेके यहाँ इस स्टेप तक समझाना था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ये क्वेश्चन क्या है हमारा, ये तो बहुत ईजी है यार, ये वाला अच्छा था, डेफिनेट इंटीग्रल से था ये, और बढ़िया क्वेश्चन है ये, आ जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में और 6 मार्क्स का आता है, ये 4 मार्क्स का है। इधर आपको साफ साफ दिख रहा होगा log x को मान लो t, तो 1 अपॉन x dx कितना हो जाएगा dt, तो हमारा ये हो जाएगा dt by, ठीक है ये हो जाएगा 6t square plus 7t plus 2, ठीक है ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गई, t square का कोएफिशिएंट जो है 1 बना दो, तो ये हो जाएगा dt upon t square plus 7t by 6 plus 1 by 3। यहाँ पे क्या करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा देना, यहाँ पे क्या करना कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा देना, तो ये आपका 1 अपॉन 6 डी एक्स डी टी सॉरी कुछ इस तरीके से बन जाएगा टी, ठीक है ना, ये हो जाएगा टी माइनस समथिंग का होल स्क्वायर माइनस या प्लस माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, यहाँ पे लगा देना जो भी आपका एक्सरसाइज आपकी है, ये इंटीग्रेशन की थर्ड फोर्थ एक्सरसाइज है, फोर्थ एक्सरसाइज से जितने भी पहले फॉर्मूले हैं ना उनमें से जो भी यहाँ पे अप्लाई हो वो आप अप्लाई कर देना। तो इस तरीके से दोनों क्वेश्चन होने थे, मेन था मुझे ट्रिक बतानी थी, सॉल्व तो आप लोग कर लोगे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ गया तो, ठीक है ना। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही था, बाकी मिलते हैं आज रात अन अकेडमी की क्लास पर 9 बजे और रामरूप सर के साथ 11 बजे। तो इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।